हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूपी पीसीएस आरओएआरओ को लेके और यूपी पीसीएस अपर को लेके। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 2 से 4 मिनट लगेगा। 2 से 4 मिनट में वीडियो बाइंड अप कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस आरओएआरओ के नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए साहब लोग, नोटिफिकेशन के बारे में तो मेरा ये मानना है कि आप लोग उसको लेके बहुत ज़्यादा वजन मत लीजिए। अक्टूबर में आ रहा हो या फिर नवंबर में आ रहा हो या फिर दिसंबर में आ रहा हो, इसको लेके नोटिफिकेशन को लेके आप अपनी पढ़ाई को डिले मत कीजिए, ठीक है। और आप लोग इसको मान के भी चलिए कि जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर दिसंबर में आएगा, और अगर नवंबर दिसंबर में आता है तो एग्ज़ाम फिर फरवरी और मार्च में होगा, है ना। और अगर आर ओ आर ओ का एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होता है 2023 में, तो आपको इसमें नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जून के महीने में, जून 2023 में पी सी एस का प्रीलिम है, वो उसी टाइम पे होता है। तो ये दोनों एग्ज़ामों की तैयारी जो है ना वो पैरेलल चलेगी, आप लोगों की लगभग पैरेलल चलेगी, तो डाइवर्जन कम रहेगा, तो वो बेनिफिशियल ही रहेगा आप लोगों को। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक आप लोग मुख्य परीक्षा का देख सकते हो, आप लोग ऐसे पे काम कर सकते हो, लेटर राइटिंग पे काम कर सकते हो, क्योंकि यार अंतिम सिलेक्शन तो यही दिलाते हैं ना। ऐसे जितना बढ़िया रहेगा उतना बढ़िया मार्क्स आएगा और उतनी बढ़िया पोस्ट मिलेगी। यूपी पीसीएस आर ओ आर ओ में भी तो बहुत सारे आर ओ हैं जो अलग अलग जगह बैठते हैं, तो सबको तो सेक्रेटेरिएट चाहिए, सचिवालय चाहिए, तो ऐसे पे तो काम करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, लेटर राइटिंग पे अच्छे से काम करना पड़ेगा, तभी सचिवालय पाओगे। वैसे यहाँ पे मेरा पर्पज़ नोटिफिकेशन के बारे में नहीं था वीडियो बनाने का, मेरा यहाँ पे मेन पर्पज़ ये था कि सिविल्स एजुकेशन आप लोगों के लिए इन दोनों एग्ज़ामों के लिए क्या क्या प्रोवाइड करवा सकता है। देखिए पिछले साल की अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज़ देखी हो, हम लोगों ने यूपी पीसीएस प्री के लिए 2022 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज की थी, है ना, और आरओ आरओ के लिए भी टेस्ट सीरीज की थी। धेय आईएएस का किया था शायद, या फिर जीएस वर्ल्ड का किया था, किसी एक कोचिंग का किया था। हाँ, 2-3 टेस्ट उसको कंप्लीट नहीं करवा पाया था मैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मैंने पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी टेलीग्राम पर। तो 2023 के लिए भी यूपी पीसीएस अपर के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज करेंगे, और आरओ आरओ के लिए धेय या फिर जीएस वर्ल्ड कर लेंगे, या फिर दोनों कर लेंगे, ठीक है। समय ज़्यादा निकाल लूंगा तो दोनों करवा दूंगा। टेस्ट सीरीज के अलावा जो करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं डेली बेसिस का अगर आप लोग सीरीज देख रहे हो, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि जो उसमें कंटेंट रहता है वो पीसीएस को ध्यान में रखते हुए ही मैं बनाता हूँ पीडीएफ को, ठीक है। जो कंटेंट डालता हूँ तो वो करंट का कंटेंट दोनों एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाता है, वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, आप लोग विजिट किया कीजिए उसको, ठीक है। और बाकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देता हूँ मंथली बेसिस पे, कंपाइलेशन मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कंपाइल कर दूंगा, तो इस मंथ का भी आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का भी करंट अफेयर्स आपको कंपाइलेशन बेसिस पे मिल रहा है, तो यहाँ पे यूपी का भी करंट हो जाता है, नेशनल लेवल का भी करंट हो जाता है, और जितना भी रिक्वायर्ड मटेरियल होता है पीसीएस के लिए, अपर के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस आर ओ आर ओ, दोनों के लिए सभी रिक्वायर्ड मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जब तक 2023 की टेस्ट सीरीज नहीं आती है मार्केट में, क्योंकि वो तो नोटिफिकेशन के बाद ही कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो उसको प्रिंट करेगी, रिलीज करेगी, है ना, तभी मार्केट में अवेलेबल होगा, तभी उसको हम लोग कर पाएंगे। तो वो जब आना होगा वो आ जाएगा, उसको कर लिया जाएगा। उससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम कर सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर पे यहाँ पे एमसीक्यूज पे काम कर सकते हैं, और जीएस के लिए भी हम लोग एक एक टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स बना के भी काम कर सकते हैं। तो जब तक टेस्ट सीरीज नहीं आती है तो हम लोग इसी पे काम करते हैं, जैसे ही टेस्ट सीरीज आ जाएगी तो हम लोग टेस्ट सीरीज पे फिर टूट पड़ेंगे, उनको करेंगे बढ़िया से करेंगे। और जो हम लोग कल से जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन करेंगे, इसमें आप लोग एक सजेशन और दे सकते हैं कि ये आपको फुल लेंथ में चाहिए या फिर इनको 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इस तरीके से करें, क्योंकि फुल लेंथ में आपको पता है थोड़ा समय लग जाएगा, 2 से 3 दिन लग जाएगा। और जो शॉर्ट वीडियो रहेंगे 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन वाले चैप्टर वाइज, उसमें आपको डेली प्रोवाइड होता रहेगा, बस इतना फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो फिर बताइएगा आपको फुल लेंथ में टेस्ट पेपर चाहिए या फिर उनको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में बनाएं 20 क्वेश्चन करके 30 क्वेश्चन करके। चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।